नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हो सैन यूट्यूबर चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो जो सर्किट डायग्राम आएगा दोस्तों, वो ये बोर्ड का आएगा। ये देख सकते हो, ये हमारे पास ये बोर्ड है एमबी कलेक्शन का, ये वाला बोर्ड। इस बोर्ड का सर्किट डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ये स्टूडियो में ही दिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये दोस्तों, ये जो सर्किट डायग्राम है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू। आज जो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, आज पार्ट वन दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा मेन वॉल्यूम है, 1.5x, ठीक है। ये भी हमारा एक वॉल्यूम है, ये 100K, ये 100K। ये जो हमारा स्टीरियो वॉल्यूम है दोस्तों, यहाँ पर ये जो स्टीरियो वॉल्यूम है, ये दोस्तों मैंने अलग अलग दिखाया है, दो करके, ठीक है, अलग अलग दिखाया है। तो पहले यहाँ पर दोस्तों, ये एक नंबर पॉइंट, ये दो नंबर पॉइंट, ये तीन नंबर पॉइंट, सेम उसी तरीके से ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पहले मैं ऑडियो इनपुट दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये एक नंबर पॉइंट है, इसमें ऑडियो इनपुट होगा। यहाँ पर ऑडियो इनपुट देना है हमें, ठीक है। ऑडियो इनपुट यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, 1K के रेजिस्टेंस पहले लगेगा, उसके बाद एक कैपेसिटर लगेगा जो कि है 10 माइक्रोफेरेड, 63 वोल्ट, ठीक है। कैपेसिटर का माइनस पॉइंट इधर साइड है, तो यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस होके, फिर एक 1K का रेजिस्टेंस होके वॉल्यूम के एक नंबर पॉइंट पर जाएगा। सेम उसी तरीके से दोस्तों सेकेंड चैनल है, ये जो सेकेंड चैनल है ये भी सेम है। ये हमारा राइट ऑडियो इन, ये हमारा लेफ्ट ऑडियो इन, कुछ इस तरीके से ऑडियो इनपुट होगा दोस्तों। और मिडिल पॉइंट से जाएगा हमारे आईसी पर, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये जो तीन नंबर पॉइंट है दोस्तों वॉल्यूम का, ये हमारा ग्राउंड पर चला जाएगा, ये डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा दोस्तों। सेम उसी तरीके से सेकेंड जो वॉल्यूम है उसका भी दोस्तों, थर्ड नंबर पॉइंट जो है वो ग्राउंड पर चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। तो चलिए पहले अभी आईसी को ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारा वॉल्यूम का कनेक्शन हो गया है, तो अभी आईसी को ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। स्पीड 1.5x। यहाँ पर दोस्तों आप लोग 4558D या फिर 5532 आईसी लगा सकते हैं, या फिर TL082 TL072 आईसी भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा आईसी का एक नंबर पॉइंट होगा। ये एक नंबर पिन, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ। आठ नंबर पिन जो है वो पॉजिटिव 12 वोल्ट है, और यहाँ पर चार नंबर पिन जो है वो माइनस 12 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों तीन नंबर पिन और पांच नंबर पिन आपस में जुड़ जाएगा और ग्राउंड पर चला जाएगा। यहाँ पर तीन नंबर पिन और पांच नंबर पिन आपस में जोड़ के ग्राउंड हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा ग्राउंड का सिंबल है, तो कुछ इस तरीके से ये होगा। फिर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर और 7 नंबर पिन के बीच पे एक रेजिस्टेंस लगेगा, जो कि है 47K, 47K का एक रेजिस्टेंस लगेगा। और 6 नंबर पॉइंट पे दोस्तों एक और रेजिस्टेंस लगने वाला है, ठीक है। ये हमारा 3.3K होगा। और यहाँ पर से दोस्तों ये हमारा 7 नंबर पॉइंट आउटपुट होता है, इसमें से एक PF लगेगा, जो कि है 472 PF, ठीक है। तो ये होगा,
सेम उसी तरीके से दोस्तों इस साइड पे होगा। मैं पहले दिखा रहा हूँ, उसके बाद कनेक्शन दिखाऊंगा। इस साइड पे दोस्तों ये हमारा आउटपुट है एक नंबर पॉइंट, और ये हमारा दो नंबर पॉइंट इनपुट है। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगने वाला है जो कि है 47 के। इसी तरीके से यही सर्किट इस साइड पर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 3.3 के का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है 3.3 के का रेजिस्टेंस। और यहाँ पर से दोस्तों 472 पीएफ लगेगा, 472 पीएफ लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो यही पहला आईसी का कनेक्शन है दोस्तों। और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये जो हमारा दो नंबर पॉइंट है, ये यहाँ पर दो नंबर पॉइंट जुड़ेगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉल्यूम का दो नंबर पॉइंट है। और इसको मैं दोस्तों, इसको मैं अभी 11 नंबर देता हूँ, ठीक है। ये 11 नंबर मैं इसको दे दिया, बाकी नंबर सब आएगा। तो समझने के लिए यही पकड़ के चलिए आप लोग। तो ये जो दो नंबर पॉइंट है, ये दो नंबर पॉइंट जुड़ेगा दोस्तों डायरेक्ट हमारे 3.3 के है। यहाँ पर दो नंबर पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब इसका पॉइंट वॉल्यूम का मिडिल पॉइंट डायरेक्ट जुड़ जाएगा 3.3 के में। और ये जो 11 नंबर है वॉल्यूम का, दूसरे वॉल्यूम का ये मिडिल वाला पॉइंट जुड़ जाएगा इस वाले पॉइंट में। यहाँ पर 11 मैंने लिख दिया है, ठीक है। इस वाले पॉइंट में दूसरे वॉल्यूम का मिडिल वाला पॉइंट जुड़ जाएगा। ये मैं स्टीरियो दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर मैं एक आईसी को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा दूसरा आईसी है, ये हमारा दूसरा आईसी है दोस्तों। तो सेम इसका भी दोस्तों 3 नंबर पॉइंट और 5 नंबर पॉइंट आपस में जुड़ जाएगा। और ये ग्राउंड पर चला जाएगा, ये माइनस पॉइंट है हमारा, ये पॉजिटिव 12 वोल्ट का पॉइंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ पर आ जाता है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना। यहाँ पर दोस्तों एक पीएफ लगेगा, पीएफ का जो वैल्यू है वो 331 है, 331, ठीक है 331 पीएफ है। और यहाँ पर से दोस्तों हमारा दो पीएफ यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये दो पीएफ है 473, 473 पी एफ है दोस्तों। यहाँ पर से 10 के रेजिस्टेंस एक लगाना है हमें, और इन दोनों पी एफ के मिडिल पॉइंट पर लाकर छोड़ देना है, ठीक है मिडिल पॉइंट पर लाकर छोड़ देना है। और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये 10 के का है, ठीक है। और यहाँ पर से एक और रेजिस्टेंस लगेगा दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 3.3 के, ठीक है 3.3 के का रेजिस्टेंस है। और दोस्तों ये तो हमारा आउटपुट का है, यहाँ पर से एक और रेजिस्टेंस लगेगा और एक पीएफ लगेगा। यहाँ पर से जो रेजिस्टेंस लगेगा और ये डायरेक्ट हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये रेजिस्टेंस अलग है दोस्तों। और ये जो मैंने किया है ये जम्पर है, सेम उसी तरीके से दोस्तों ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जम्पर होके डायरेक्ट पीएफ के इस साइड पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर से एक और रेजिस्टेंस लगेगा, सॉरी यहाँ पर पीएफ लगेगा एक। ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों ये रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 10 के होगा, और ये पीएफ 472, ठीक है ये पीएफ लगेगा। और यहाँ पर से दोस्तों अभी देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा 472 का पीएफ है इसको भी मैंने गोल कर दिया है, यहाँ पर नंबर बैठेगा समझने के लिए, कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर से जो आउटपुट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट होगा, तो यहाँ पर से ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा हमारे 10 के रेजिस्टेंस लेकर इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जुड़ जाएगा,
यहाँ पर से 7 नंबर पॉइंट से एक ट्रेन के रेजिस्टेंस लेकर हमें यहाँ पर जोड़ देना है। तो अभी इसका कनेक्शन देखिए आप लोग, ये हमारा दूसरा चैनल भी सेम होगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा चैनल में यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को दिखा दिया है डबल चैनल कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा दिया है मैंने, तो इस साइड में जो मैंने दिखाया वो सेम इस साइड में होगा। तो चलिए अभी यहाँ पर बेस का कनेक्शन दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये हमारा बेस का वॉल्यूम है 100K बेस, मैं सिंगल ही दिखा रहा हूँ दोस्तों अभी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा है ये 3 नंबर होगा, ये हमारा 3 नंबर होगा, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बेस का जो पॉइंट है ये 3 नंबर होगा, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जोड़ देना है आप लोगों को, वायर लेके बेस से यहाँ पर जोड़ देना है सर्किट पे। और जो दोस्तों सेकेंड चैनल होगा वो सेम इसी तरीके से आप लोगों को इस साइड पर कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं ट्रेवल का दिखा रहा हूँ, ये हमारा ट्रेवल का है। ये दोस्तों हमारा ट्रेवल का मैं बना रहा हूँ अभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो 472 PF है ये ट्रेवल के फर्स्ट नंबर पॉइंट पर लगा, इसको मैं 6 नंबर देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों ये जो 3.3 के रेजिस्टेंस है इसको मैं 7 नंबर देता हूँ, और ये जो 472 है यहाँ पर मैं इसको 8 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 6, 7, 8 ये दोस्तों कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। यहाँ पर ट्रेवल का जो फास्ट लेग है वो जुड़ जाएगा यहाँ पर 472 PM में। यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट है 7 नंबर ये जुड़ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर 3.3 के का रेजिस्टेंस पे, और यहाँ पर दोस्तों जो 8 नंबर है ये जुड़ जाएगा 472 PF पे। सेम उसी तरीके से दोस्तों इस साइड पर आप लोगों को कर लेना है, जैसे मैंने वॉल्यूम को दिखाया दोनों साइड पे, सेम उसी तरीके से इस साइड पे दिखा लेना है आप लोगों को। सेम उसी तरीके से आप लोगों को इस साइड पर भी कर लेना है, ठीक है। तो बाकी का जो कनेक्शन है थर्ड IC का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों।